लेकिन राजनीतिक हित, इससे कहा जा रहा है किसानों की तरफ से ही ये बात कही जा रही है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हित को देखते हुए किसानों की आड़ में ये महापंचायतें कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के साथ किसानों का लगातार संघर्ष जारी है और इसी बीच किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए मौसम के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को आज 116 दिन हो गए हैं। इसी बीच अनेक जत्थेबंदियां अपने साथ गर्मियों में संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए अपने साजो सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंच रही हैं, ताकि आंदोलन को मजबूत किया जा सके। मार्च में हीड़ा तरन तारण जिला अही दिल्ली जान रहे हैं, क्योंकि साड़ी अच्छ टर्न वा 15 दिन वास्ते व्डे पद्धर से अं जो कट करना वा। खडूर साहब इतों मुड़ के कट्ठे होके हरीकिया तो व्डा काबला अं हजार गिनती क्ढा लखा गिनते किसान मजदूर जाएंगे। जेड़ा मोदी कहता है भी शायद वाढ़ी दे अंदोलन कट जो अंदोलन कर चले जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चले जाएंगे। मोदी की सी ए डी दस देना चाहता, नोट कर लियो अज कि हजार गिनते जा ट्रैक्टर ट्रालियां जाएंगे, डबल डबल ट्रालियां पा के हटांगे। मित्रा अपना संघर्ष लड़ांगे, मोर्चा नहीं छड़ांगे खाली, अपने हक लैन वास्ते बिल्कुल लड़ांगे, दिन रात लड़ांगे। अगर जान भी देनी पई जान भी दांगे, ते मोदी दे काले कानून जेड़े आ भारत लागू नहीं होंगे, मोदी दियां जड़ां पुटदांगे, जड़ां पुटदांगे। साडा वड्डा काफला तरन तारण जिले की धरती तो हरीके पत्तन तो रवाना हो रहा वा। ये काफला जेड़ा साडा जिले वाइज ड्यूटी लगती संबंध चो साड़ी तरन तारण जिले की वारी आ, और जिहड़ा लोगों खदशा से जां सरकारां नूं खदशा से भी लोग कट्टणगे वाढ़ी आ गई आ, पर मैं सलूट करदा इन्हां लोगों नूं कि हजारां दी गिनती च ट्रैक्टर ट्रालियां गड्डियां समेत काफला तैयार होया वा और एड्डी वड्डी पद्धर ते जा रहे आ कि कोई गल कहण वाली नहीं गी। ऐ अपनी जिहड़ी ट्रालियां वां नूं जालियां ला लईआं वा, कईआं दे विच एसी रख लिया, कूलर रख लिया, पखे रख लिया। कहण दा मतलब ये भी मोदी सरकार की जी गल ही भी ये थक जाएंगे अक जाएंगे, असं ताडे माध्यम राही साफ दसना चाहते हाँ भी ये जिहड़े पंजाबी आ ये ना कभी थके आ ना कभी अके आ, ये अपनी जिहड़ी लड़ाई आ वो लड़नगे, क्योंकि हुण धरना मुजहरा नहीं रह गया, ये जन अंदोलन बन गया वा। ये जिहड़ा अंदोलन है भारत का नहीं, ये वर्ल्ड का अंदोलन आ। ये कल्ला किसान का नहीं रह गया, ये कल्ली किसानी नहीं रह गई, ये जमीना का मसला नहीं रह गया, मसला रोटी का बन गया वा। किसान और सरकार के बीच बनी दीवार अभी भी बरकरार है और बातचीत पूरी तरह से रुक गई है, और ये सब कब शुरू होगा ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, किसानों ने अपने इरादे मजबूत कर लिए हैं। पहले सर्दी में पुख्ता इंतजाम किए और अब आंदोलन के लिए गर्मी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इससे साफ है कि ये संघर्ष अभी और लंबा चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर बातचीत की पहल कौन करेगा, सरकार या किसान, क्योंकि बिना बातचीत के हल संभव नहीं है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।